मतलब मैं, मुझे पता नहीं था कि मैं जी क्यों रही हूँ. मेरे 10 ईयर्स मैरिज को हो गए थे, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे हर तरीके से टॉर्चर किया. आज से 4 साल पहले मतलब मेरी बेबी भी थी, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे छोड़ दिया. तो मैं अपने घर पर ही रही, रोती रही, उनसे रिक्वेस्ट करती रही काफी, पर उन्होंने नहीं सुना. देन उसके बाद फिर मैं, ये सब बातें ठीक है, आराम से सोच समझ के बोल रहे हो ना कैमरा से, सबको पता है, सबको पता है. ठीक सर, बहुत कुछ हुआ, मतलब कि मैंने सुसाइड अटेम्प्ट भी किया. मतलब मैं जीना नहीं चाहती थी, बिल्कुल हार गई थी लाइफ से. फिर मैंने आपके सेशन देखने शुरू किया यूट्यूब पर सर, मुझे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया कि मतलब जो भी होता है ना इंसान को, मतलब दूसरे की जरूरत नहीं होती अगर वो खुद अपने साथ है. तो मुझे लगा कि अगर आपका है कि अगर आप किसी ऐसे को ढूंढ रहे हो जो आपकी लाइफ चेंज करेगा, तो पहले मिरर में देखो आप खुद. सर मैंने ये सीखा कि अगर मैं अपने अपने साथ हूँ तो मुझे किसी की जरूरत नहीं. तो इतना कॉन्फिडेंस है सर, मैं इतना था कि मैं मेट्रो तक अकेले नहीं जा सकती थी, बट मैं आज अकेले आई हूँ यहाँ पर. अब अकेले जी भी सकती हूँ और मतलब दूसरों को मोटिवेट भी करती हूँ. एक्सीलेंट, लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हर. आओ फिर यहाँ पे हो जाएंगे ना थोड़ा सर, आपकी चेयर है. सीरियसली आओ ना. थैंक यू सर. बैठो बैठो, कुछ करो, मोटिवेट करो जी हमें, क्योंकि इतनी प्रॉब्लम हमने देखी नहीं है लाइफ में. तो आई वॉन्ट टू लर्न फ्रॉम यू, आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड की भाई क्या सर, हमारी लाइफ में सडनली कुछ हो जाता है जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते. हम उस चीज को देखते हैं कि जो हमें पसंद होता है, हम उस चीज में ना जो भी वो इंसिडेंट हुआ होता है हम उसमें वो ढूंढते हैं कि जो हमें पसंद होता है. तो हम, हमें लगता है कि ये जो भी हुआ गलत हुआ हमारे साथ, तो हम उस चीज को नहीं देखते जो हमें पसंद नहीं है, जबकि वही सही है हमारे लिए. तो वो हमें बाद में पता चलता है कि जो हुआ था वो अच्छे के लिए हुआ था और वो हम उसे देख नहीं पाए थे, इसलिए हम अब तक रो रहे थे उसको देख देख कर. तो अब मुझे तो अब मुझे ये लगता है कि मतलब जो भी हुआ वो अच्छा हुआ, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होती, शायद मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता और मैं अपनी बेबी को पाल भी नहीं पाती और ना खुद मतलब आगे नहीं बढ़ पाती किसी भी एंगल से. और आप पहले इंसान हो जो यहाँ पर बैठ करके कुछ बोल रहे हो. आप ना मतलब मेरे लिए पता नहीं क्या हो, मैं समझ भी नहीं सकती, मतलब शब्द नहीं है मेरे पास कहने के लिए. कुछ कोशिश करो, थोड़ा बहुत हो जाए, थोड़ा बहुत अगर शब्दों में बयां करना हो. सर हाँ, मैंने लिखा है ना. लिखा है कुछ, कहाँ लिखा है? अच्छा पढ़ दो ना, पढ़ दो, आप पढ़ दो, ज्यादा अच्छा लगेगा. अब कैसी चल रही है आपकी लाइफ? इट्स ऑल गुड, सब बढ़िया, सैटिस्फाइड हो? मस्त. आप लाइव एग्जांपल हो मेरे सेशन के, जो मैंने कहा मस्त रहना सीखो. हाँ, तो मस्त हो मतलब. हाँ. सर मैं दूसरों की हेल्प भी करती हूँ जो आपने सिखाया. तो सर मतलब 4 लाइनें आपके लिए लिखी थी. जो जागा अंधेरों में उजाला उसी ने पाया है, अपनी नाकामियों को भी जो अपने काम लाया है. उड़ जा उड़कर बादलों की ओट से घूंघट उठा, छिप गया जो सीप में मोती उसे तू ढूंढ ला. है तमन्ना अगर बड़ी तो सांझ को सूरज दिखा, चलते हुए जो रोक ले उस भीड़ से खुद को बचा. चोट देकर लहरें भी देती हैं चट्टाने हिला, मैं तो एक उम्मीद हूँ तू मुझे रोशन करके दिखा. डरता अगर इंसान तो कैसे चांद तक वो पहुंचता, हौसले की आग को लगने ना देना तू धुआं, देकर हवा उस आग को अंधेरे को रोशनी दिखा. थैंक यू. मेरा मूड नहीं आ जा रहा है, मेरे से अच्छा कर रहे हो आप, कहाँ वहाँ बैठ के टाइम पास करते रहते हो. और कुछ और हो जाए, कुछ थोड़ा बहुत कुछ और क्या जो भी मतलब इतना अच्छा. आपने खुद लिखा ही है कहीं से, मतलब टीपा नहीं है, खुद लिखते हो? मैं लिखती हूँ, बट मुझे अभी स्टेज नहीं मिला था. खाना पाक तो गया, और कितना लोगे? सोचा नहीं था सर, मतलब ये भी मिलेगा. तो अगर दुनिया को आपको कुछ मैसेज देना हो, आपको लाखों लोग इस वक्त देख रहे हैं, ये मत सोचो यहाँ पे 50-60 लोग बैठे हैं फुकरे से, ये मत लोग पूरी दुनिया देख रही है, पूरा वर्ल्ड देख रहा है. बुरा तो नहीं लगा, सच करवा तो नहीं है? पूरी दुनिया आपको इस वक्त देख रही है, लाखों लोग देख रहे हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाहते हो जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स की वजह से हार मान जाते हैं, उनको क्या बोलना चाहते हो? आपने इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स, सबसे पहले ना इंसान को खुद को पाना आना चाहिए. अगर आपने खुद को पा लिया ना तो कोई प्रॉब्लम बड़ी नहीं है, क्योंकि इंसान की कोई भी प्रॉब्लम उससे बड़ी नहीं हो सकती. क्योंकि मुझे ये लगता है कि सारा जो खेल है ना वो दिमाग का है सर. अगर हम मानते हैं कि ये चीज हमें मतलब मुश्किल लग रही है, तो वो मुश्किल हो जाती है फिर हमारे लिए. अपना ना 100% दे नहीं पाते उसमें, क्योंकि हम पहले से ही मान लेते हैं कि ये तो वही मुश्किल है, हमसे हो गई नहीं, हम कर ही नहीं पाएंगे इस प्रॉब्लम. फिर मैं ये सोचती हूँ जो आपने गाया सर. नहीं, फिर मैं ये सोचती हूँ कि अगर वो सामने वाला कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि उसके पास भी वही हाथ पैर है, हमारे पास भी वही है सेम, तो फिर सर हम क्यों नहीं कर सकते. Very nice. Please.